अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शगुफ्ताज क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम ये लेस पैटर्न बनाएंगे। बहुत ही प्यारा लेस पैटर्न है। इसके लिए मैं वुलन थ्रेड और 12 नंबर नीडल यूज़ कर रही हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए पहले हम बेस बनाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3 स्टिच चेन, 1 डबल क्रोशे, 1, 2, 3 स्टिच चेन एंड 1 डबल क्रोशे। इस तरह से पूरा बेस बनेगा। 2 रो रिपीटेड पैटर्न है ये। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 ये जो स्टिच है यहाँ पे, इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से अब ये जो चेन बनाया है हमने, इसमें स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन, डबल क्रोशे स्टिच, ये जो 3 चेन बनाए थे इसके साथ ये 9 डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाए। अब इसके नीचे ये जो रो है इसमें स्टिच बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशे स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशे स्टिच, 7, 8, 9, 10 ये जो इसके साथ स्टिच है इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पे टॉप पे अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमारा पैटर्न बनेगा। इस रो में हमने 15 डबल क्रोशे बनाए हैं। 9 ऊपर टॉप पे बनाए हैं और 6 यहाँ बनाए हैं। अब यहीं से दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो टॉप है, ये जो स्टिच है इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और ये जो चेन हमने अभी बनाया है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम इसी तरह से पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। नाइन
9 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब इसमें डबल क्रोशे में स्टिच बनाएंगे 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशे स्टिच। Three, four, five, six double crochet stitch। अब ये पैटर्न हमारा कंप्लीट है। अब इसको यहाँ इसके साथ जो स्टिच है इसके टॉप पे अटैच करेंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे और यहाँ ये जो स्टिच है इसके टॉप पे, ये स्टिच इसके टॉप पे अटैच करेंगे यहाँ पे, और दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, ये देखिए फेल्ट की तरह से बनता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।